इंडिया में आधा से ज़्यादा जो स्मार्टफोन का मार्केट है वो चाइना कैप्चर करके रखा है, लेकिन अभी बॉयकॉट चाइनीज गुड्स के चलते काफ़ी सारे लोग नॉन चाइनीज स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं, फिर सिंपल बोला जाए तो चाइनीज फ़ोन के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार कैटेगरी में बेस्ट चाइनीज फोन अल्टरनेटिव बताऊंगा, वो कौन कौन से फ़ोन है और वो बेस्ट है। तो कौन कौन से फ़ोन है आप इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ आज के इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर दें। सो हेलो एवरीवन, मैं नाम आशुत गोपाल। तो सोचिए ये जो वीडियो वो कुछ टोटल पाँच कैटेगरी में डिवाइड है, पहला 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 और 40,000। इस पाँच कैटेगरी में ये डिवाइड है आपको। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा 10,000 से, लेकिन मैं पूरा आपको एकदम डेप्थ में फीचर नहीं बताने वाला क्योंकि इससे ये वीडियो पूरा एक घंटे का हो जाएगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिस्ट कर दिया जितने भी स्मार्टफोन आज के इस वीडियो में बताऊंगा अंडर 10,000, 15,000 के प्रॉपर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आप वहां से उसे परचेज भी कर सकते हैं, प्लस आप फीचर्स भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 10,000 वाले कैटेगरी से। तो अभी जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है 10,000 वाले कैटेगरी में, तो वो है रियलमी के फ़ोन्स और शॉमी के फ़ोन्स, जो कि ये रियलमी नार्जो 10A, रियलमी C3, रेडमी 8A डुअल और रियलमी 5, ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है। इसके जो अल्टरनेटिव हैं वो हैं LG W30, नोकिया 2.3 और सैमसंग गलेक्सी 8XS, सैमसंग गलेक्सी M20 और सैमसंग गलेक्सी M10S, ये सबके अल्टरनेटिव है। तो ये हुआ अंडर 10,000 कैटेगरी। तो आप इसके बदले इसे परचेस कर सकते हैं, जो कि LG के फ़ोन्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं और जो W30 वो नॉच के साथ आता है, प्लस 3GB भी रैम आपको मिल जाता है 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सेम आप सैमसंग का भी है, सैमसंग तो काफ़ी लोग अभी उसी को ही परचेस कर रहे हैं, लेकिन LG भी आपके पास एक ऑप्शन है जो कि नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है। तो अब बढ़ते हैं अंडर 15,000 के। अंडर 15,000 वाले कैटेगरी है वो वीवो और रेडमी अच्छा खासा जमा के रखें। जो पहला फ़ोन है वो वीवो Z1X है, जो बिक रहा था लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, और वीवो Z1 Pro, रियलमी नार्जो 10, रियलमी 6, Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 9 Pro, ये सबसे ज़्यादा बिक रहे थे। अब जो है इसके अल्टरनेटिव वो दो फ़ोन है, Samsung Galaxy M30S, इसमें बैटरी काफ़ी अच्छा है प्लस फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा, और LG W30 Pro। LG भी फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े से ये फ़ोन अंडररेटेड हो जाते हैं, लेकिन ये फ़ोन काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में। तो आप ये दोनों फ़ोन भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट अंडर 15,000 रुपीज़। तो अभी एक और मार्केट में है जो कि सेम है चाइनीज स्मार्टफोन, पोको M2 Pro, उसका भी अल्टरनेटिव आप बोल सकते हैं सैमसंग M30S है और LG W30 Pro है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ, जो कि अंडर 20,000 वाले कैटेगरी। 20,000 वाले कैटेगरी में सेम शॉमी जमा के रखा है, जो कि रेडमी 9 प्रो मैक्स, रियलमी 6 प्रो, पोको X2, रियलमी X2, रियलमी X और रियलमी XT, ये सब में पूरा शॉमी है। और इसके जो अल्टरनेटिव है वो है सैमसंग गलेक्सी A50S, सैमसंग गलेक्सी M31 और नोकिया 7.2, ये इसके अल्टरनेटिव है। सेम फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, सैमसंग भी थोड़े से ऊपर नीचे हैं क्योंकि चाइनीज़, जैसे कि आपको पता है जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जो अगर आप सैमसंग और नोकिया की तरफ भी बढ़े तो भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अंडर 30,000 वाले कैटेगरी में। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो है ओप्पो रेनो 3 प्रो, ओप्पो रेनो 2, रियलमी X2 प्रो, OnePlus 7, रेडमी K20 प्रो। K20 Pro इसमें टॉप में है क्योंकि ये सभी भी काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, और इसके जो अल्टरनेटिव हैं वो है सैमसंग गलेक्सी A51, गूगल पिक्सल 3A, iPhone 7, आसूस 6Z, सैमसंग गलेक्सी S9 Plus। तो 30,000 के अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स के, जिसे आप इजीली परचेस कर सकते हैं। और ये जितने भी स्मार्टफोन्स आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रॉपर लिस्टिंग अच्छे से हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक करिए। प्ले हुआ 30,000 वाला कैटेगरी, अगर आपको प्रॉपर फीचर जानना है तो आई लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बढ़ते हैं लास्ट कैटेगरी, जो कि अंडर 40,000 वाली है। जो अंडर 40,000 वाला है उसमें रियलमी X50 प्रो, OnePlus 7T, रियलमी X2 प्रो, वीवो IQOO3, ओके, तो ये सब है। और लेकिन अगर आप जैसे जैसे अपना बजट बढ़ाते हैं तो आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, अंडर 10,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है। 15,000 में आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे जो आपको करीब सेम फीचर दे रहे हैं चाइनीज स्मार्टफोन जितने, लेकिन अगर आप 30,000, 40,000, 20,000 रुपीज़ तक पहुँच जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नॉन चाइनीज स्मार्टफोन मिल जाएंगे, जो कि सैमसंग के ही है। अब बढ़ते हैं अंडर 40,000 कैटेगरी में, जो कि सबसे फेमस सीरीज है सैमसंग गलेक्सी नोट 10 लाइट, उसके बाद है सैमसंग गलेक्सी A71, आसूस रोग फोन 2, अगर आप गेमर है तो ये फ़ोन को मैं रिकमेंड ज़रूर करूंगा, अभी एक और आसूस का फ़ोन आने वाला है, ओके, उसके लिए भी वेट करिए, और नोकिया 9 प्योर व्यू, ये भी है काफ़ी अच्छा फ़ोन, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट है वो है सैमसंग गलेक्सी A80। तो अगर ये सब थे सब फ़ोन्स के अल्टरनेटिव, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, पूरा आपको अल्टरनेटिव फ़ोन मिल जाएंगे पूरा बजट वाइज, तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। बस ओवरऑल बोला जाए तो ये सब थे, अगर मैं सबका एकदम प्रॉपर फीचर्स के साथ वीडियो बनाता तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। अगर आपको फिर भी प्रॉपर फीचर्स के साथ वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए,
मैं पार्ट बाय पार्ट में बनाने का ट्राई करूंगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशीष गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। और भी वीडियोस देखो और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो।